अस्सलाम वालेकुम जी। तो की हाल चाल है आप सभी के? तो अभी जस्ट मैं कहीं तो आ गया हूँ और हमारे डेली व्लॉग्स बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं। आज पाँचा या छठा दिन है, हमने छठे व्लॉग अपडेट कर दिया है, तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है हमारा डेली व्लॉग। तो अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है तो आप लोग यार कुछ रिएक्शन दो दो कमेंट सेक्शन में। कोई रिएक्शन नहीं रहता, सब ऐसा लगता है ठंडे पड़ गए, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि डेली व्लॉग आ रहे हैं कि नहीं। तो डेली व्लॉग करना है ईजी नहीं होता, बट अपन ट्राई कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते तो वहाँ भी कर ले, तो काफ़ी आवाज़ आ रही है, पता नहीं इसमें आप लोग को सुनाई दे रहा होगा कि नहीं। तो मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते वहाँ फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज आते रहते हैं, तो बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े तो नहीं पता हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, NBBlog07। बट बात यह है कि यहाँ मैं आया कैसे, तो सुने। आज सुबह उठते ही हम जा पहुंचे सैलून। और सैलून जाने के बाद पता चला कि कौन कौन से कलर है तेरे बाल में? पिंक है, गोल्डन है, व्हाइट है, ग्रे है, पूरा रेनबो है। हम नहीं कराने वाले ऐसे। हमने सोचा यार दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई है तो उसको सही करा ले, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि कोई है नहीं। रवि जस्ट सैलून खोल रहे, तो बाद में कराना पड़ेगा, तो पहला टास्क फेल हो गया हमारा दिन का। हमने सोचा यार दाढ़ी बढ़ गया कुछ कर लेंगे रिकॉर्ड, और चलो चलते हैं बैक टू पवेलियन। इसके बाद हमारे फ्रेंड का एक फ़ोन आता है। हाँ राहुल। हाँ नबी, कहाँ पे भाई? हाँ घर पे हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सुन मेरे फ्रेंड ने एक बाइक ली है तेरे लिए, सरप्राइजिंग बाइक है, जरा आजा मेरे शोरूम में, देखो बताता हूँ मैं। क्या बात कर रहा है, सच में? हाँ हाँ, अरे तू आ तो जा आज, देखो दिखाता हूँ मैं। अरे कौन सी बाइक है भाई? वो लंगार चीज है। ठीक है भाई, आजा आजा। आता हूँ मैं, आता हूँ मैं, 10 मिनट में आता हूँ। हाँ हाँ चल। ओके ओके। हाँ जी हाँ, फिर कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे आ गया। मेरे फ्रेंड ने कॉल किया, एट द लास्ट मोमेंट में उसने मुझे बचा लिया, क्योंकि मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था बनाने को, बट उसने बचा लिया। तो कुछ दिन में मैं राहुल को एज अ कंटेंट मैनेजर रख लेने वाला हूँ कि भैया तू मेरा कंटेंट संभाल, मेरे को टाइम टू टाइम बता देना कि क्या कंटेंट बनाना है। बस मजाक कर रहा हूँ यार, लेकिन चलो अब अनमोल रतन आपको दिखाते हैं आज, वो बाइक में फर्स्ट टाइम आपको दिखाने वाला हूँ और राइड भी करने वाला, वो एडिशन मैंने नहीं देखा था, मैंने कहा चलो दिखा देते हैं आप लोग, तो चलिए देखते हैं। तो जी हाँ, मैं इसी बीच के बारे में बात कर रहा था, तो ये मेरी नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूँ, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे भाई तूने करी ली कब, तो मैंने नहीं खरीदी, राहुल मेरा फ्रेंड है जिसको व्लॉग में आप लोग देखते होंगे, उसके एक फ्रेंड ने खरीदी, तो आज वो लेके जाने वाला था, बट राहुल ने एक दिन के लिए रोक लिया, मतलब वो अपने लिए, उन्होंने सोचा एक ब्लॉग ही बना देते, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है, जो कि R15 V3 मोटो GP एडिशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ आप लोग को चेंजेस नहीं मिलेंगे, बस इसके स्टिकर्स जो रहते हैं वो मूवी स्टार का रहता है, और थोड़ा बहुत जो इसके बारे में और माइन्यूट डिटेल रहेगा वो हमारे राहुल भाई बताएंगे। आ जाओ भाई, क्योंकि डिलीवरी के टाइम राहुल था वहाँ पर। तो आप बताएंगे कि कितने पैसे दे के आ रहे हैं आप लोग? ये गाड़ी है 1,55,000 की। अगर आप नॉर्मल ये मोटो जीपी एडिशन नहीं खरीदेंगे तो 1,50,000 मतलब 5,000 का डिफरेंस, 5,000 का डिफरेंस है। और किसने खरीदा ये भाई? मेरे फ्रेंड ने खरीदा, इनके फ्रेंड ने, तो एक दिन के लिए भाई ने रोक लिया था, थैंक यू सो मच, आज तूने मुझे बचा लिया, क्योंकि आज मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था बनाने को। तो अभी फिलहाल हम इसके ग्राफिक्स को आप लोग को दिखाते हैं स्लो मोशन में, वो देख लो, फिर राइड करेंगे। वैसे जैसे V3 का जो एक्सपीरियंस रहता है वही है, कुछ और मेरे ख्याल से मेजर चेंजेस रहते नहीं है, सेम वही रहता है। लुक्स, हाँ लुक्स थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ग्राफिक्स वगैरह, तो थोड़ा स्लो मो में चेक करो और थोड़ा अभी राइड करेंगे फिर आपको बताएंगे, ठीक है? चलो
बी रोल दिखाया, तो क्या सेक्सी बाइक दिख रही है, और बी रोल में भी सेक्सी दिख रही थी। तो हम इसके स्पेसिफिकेशन में ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि V3 के बारे में आप लोग तो जल्दी सब कुछ जानते ही हैं। तो जस्ट मुझे ये मोटो GP एडिशन का इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मोटो GP एडिशन अभी तक मैंने भी नहीं देखा था, तो मैं सोचा ये आप लोगों को दिखाना ज़रूरी बनता। तो ये मैंने दिखा दिया। और हाँ, ये भी बताना है मुझे कि नॉन ABS है, इसमें ABS नहीं है। अगर आप ABS लेने जाओगे तो वो कितना और पे करना पड़ेगा? ABS आपको 1,70,000 में पड़ेगा, मतलब मोर 15,000 समथिंग। हाँ, यस। तो सिंगल चैनल ABS ना? हाँ, ड्यूअल चैनल ABS। अच्छा, ड्यूअल चैनल ABS। R15 में ड्यूअल चैनल ABS। तो ये रहा बाइक की बातें, और अभी इसको थोड़ी सी चलाएंगे और देखेंगे कि कैसी चल रही है। मतलब चलने में तो ऐसी सेम ही रहेगी, बट थोड़ा चलाना भी बनता है ना, क्योंकि नई बाइक है तो नई बाइक चलाने में अलग ही मज़ा रहता है। और हाँ, एक अपडेट और है कि यमा ने अपनी MT15 लॉन्च कर दी है, जो हमारे पास आ चुकी है, बाकी कहीं भी नहीं है। हाँ, आ चुकी है, तो जिस किसी को भी चाहिए तो भाई से कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी जल्दी उसका हम वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें उन लोगों ने ना चेंज करके रख दिया, जो थाईलैंड में थी ना, जो बाहर थी, तो प्राइस को मेंटेन रखने के लिए उन लोगों ने बहुत कुछ चेंजेस कर दिया। तो उसके ऊपर वीडियो आएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिलहाल अभी बाइक को चलाते हैं और देखते हैं, ठीक है। यार सच बताओ, नए बाइक को राइड करने का मजा ही कुछ और होता है। मतलब जो मक्खन राइड चलता है ना, बता नहीं सकते। लेकिन ये भरे भरे रोड में नहीं, खाली जगहों पे, वाह भाई वाह, बिना इंडिकेटर, वाह चचा, आप लोगों ऐसे इस इंडिया नंबर वन है बैड ट्रैफिक में। तो मोटो GP एडिशन है ये, तो इसीलिए हमने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। वैसे भी मैंने आज तक V3 पे आज तक मोटो व्लॉगिंग नहीं किया था, बट आज कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नई बाइक किसको नहीं अच्छा लगता, बट खाली रोड हो तो और मज़ा आ जाए, एटलीस्ट थोड़ा पावर तो चेक होता है। भाई तुम लोग कहाँ जाओगे कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए किसी की नई बाइक यहाँ पर चलाने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि किसी और की बाइक है और नई बाइक है, मैं फील कर सकता हूँ। RC और ये R15 V3 ये सब चलाने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा फील ये होता है कि अच्छा हुआ मैंने ड्यूक लिया था, क्योंकि मुझे ये अग्रेसिव पोजीशन जरा भी शोभा नहीं देता, शोभा इन द सेंस शूट नहीं करता, क्योंकि मेरी रिस्ट पे तुरंत पेन होने लगता है और पूरा बॉडी पोजीशन बिगड़ जाता है भाई मेरा, इसीलिए मुझे अपराइट वाला पोजीशन ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, मजा आ गया ठाकुर। हाँ, मेरा लिस्ट। सो जी हाँ, अभी जो राइड नाउ मैं राइड करके आ रहा हूँ, और ये देखो निशान दिख रहा है ना, तो सारा प्रेशर आपके ये पाम पे आ जाता है, तो दोनों पाम मेरा दुखने लगा है, इसीलिए मैं बोला था मेरे को अपराइट पोजीशन ज़्यादा पसंद है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आई होप आप लोग को जो भी कुछ मैंने दिखाया हो इस वीडियो में आप लोग को मज़ा आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को कमेंट करना क्या आप लोग को पसंद आया। और बस ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप लोग को डेली व्लॉग्स मिलते रहेंगे, अपना व्लॉग 9 बजे डेली आ जाएगा, तो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आप देखते रहें। जी हाँ, और बस और कुछ नहीं कहना मुझे। चलो गाइस, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। आप लोग और ये इंट्रो बहुत घटिया था, फिर से मेरे को देना पड़ेगा दूसरा।